हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट मैग्निफिकेशन. टुडे वी डिस्कस्ड रिमेनिंग पार्ट ऑफ मैग्निफिकेशन और टॉपिक नेम मैग्निफिकेशन. सबसे पहले आप ये समझो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, लेकिन इसका बचा हुआ पार्ट है वो और देखेंगे हम. तो पहले हम ये देखते हैं कि मैग्निफिकेशन होता है क्या है. कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी बिगर इमेज हमें दिखाई देती है तो वो कितने गुना बड़ी है वो चीज़ हम देखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं. ये कल हमने देखा था कि इसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है. आज हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन होती है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन. इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट है, इन दोनों के बीच का रेशियो है वो क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है. तो हम ये बोल सकते हैं कि m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम पी क्यू लेते हैं तो इमेज को हम पी डेस क्यू डेस से शो करते हैं. इट मीन्स हमें इमेज की हाइट है उसको एच डेस से शो करना है और इसकी हाइट है उसको आपको एच से शो करना है. वैसे एम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस वी बाई यू. एच डेस को हम v माने और इसको u माने तो इसका फॉर्मूला हमेशा नेगेटिव लिया जाता है. तो m इज इक्वल टू होता है माइनस वी बाई यू. अब इसकी कुछ कंडीशंस होती है, मैग्निफिकेशन की कुछ कंडीशन होती है. फोर कंडीशन अप्लाई होती है मैग्निफिकेशन पे. सबसे नंबर फर्स्ट कंडीशन होती है व्हेन m इज नेगेटिव. नेगेटिव मीन्स v इज ग्रेटर देन u. v यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. तो जब m नेगेटिव होता है, और नेगेटिव होगा इसका मतलब जो v है वो हमेशा बड़ा होगा u से, मतलब इमेज आपकी बड़ी होगी u से. और इमेज बड़ी कब होती है u से, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर की तरफ होता है तो आपकी हमेशा इमेज कैसी बनती है, बड़ी बनती है. तो हम ये बोल सकते हैं देन इमेज विल बी क्या होगी, रियल. शुरुआत में हमने पढ़ा था वो रियल ही था. रियल के साथ कौन सा वर्ड जुड़ता है, इन्वर्टेड. और v, यहाँ पे v इमेज को शो करता है तो ये बड़ा हो रहा है, इट मीन्स मैग्नीफाइड होगी. मैग्नीफाइड मीन्स बड़ी होगी. किसके अकॉर्डिंग बड़ी होगी, जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी होगी जब m नेगेटिव होता है तब. ठीक है, और नेगेटिव होने के साथ में दूसरी कंडीशन क्या होती है, v इज ग्रेटर देन u. सेकेंड नंबर कंडीशन आती है व्हेन m इज नेगेटिव. नेगेटिव तो होता है बट v इज इक्वल टू u. v है वो u के क्या होता है, इज इक्वल टू होता है, बराबर होता है. और v u के कब होता है बराबर, आपको पता हो तो कंडीशन नंबर थ्री, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है और उसकी हाइट इक्वल होती है. इट मीन्स v इज इक्वल टू u देन इमेज विल बी रियल. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती है तो रियल एंड इन्वर्टेड. एंड लास्ट कैसी होगी, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट नंबर थर्ड कंडीशन
वो ही सेम होगा. व्हेन एम इज नेगेटिव एंड वी इज लेस देन यू, वी इज ग्रेटर देन यू देन मैग्निफाइड इमेज एंड वी इज लेस देन यू देन इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड. बट देखो यू आपका बड़ा है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और वी का साइज छोटा है. इसका मतलब हमेशा वी का साइज छोटा रहेगा, इट मीन्स इमेज छोटी होगी और छोटी होगी तो उसके लिए आप क्या वर्ड लोगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी हमेशा. एंड लास्ट फोर्थ नंबर कंडीशन, व्हेन एम इज पॉजिटिव. अब तक आ रहा था आपका नेगेटिव, नेगेटिव की तीन कंडीशन कंप्लीट हो गई, वी इज ग्रेटर देन यू, वी इज इक्वल टू यू एंड वी इज लेस देन यू. नेक्स्ट है एम इज पॉजिटिव, और एम जब पॉजिटिव होता है तो हमेशा वी किसके, वी ग्रेटर देन होता है यू के, ये ऑलवेज होता है. जब भी ये पॉजिटिव होगा तो ये ग्रेटर देन ही होगा, और ग्रेटर देन होता है तो देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब इमेज होगी आपकी वर्चुअल, देन इमेज विल बी वर्चुअल. वर्चुअल के साथ वर्ड आता है आपका इरेक्ट और अपराइट. और मैग्निफाइड, हमेशा कैसी इमेज होगी, मैग्निफाइड इमेज होगी. ये चार कंडीशन है, इन चार कंडीशन को आपको याद रखना है. जब भी आप एम का वैल्यू निकालो तो आपको ये देखना है कि वी बड़ा है छोटा है, उसके अकॉर्डिंग आपको लास्ट में अपना आंसर देना है कि मैग्निफाइड इमेज होगी, स्मॉल होगी, इक्वल होगी या वी ग्रेटर देन यू होगा, जो भी रियल होगी वर्चुअल होगी, ये सब आपको इसके अकॉर्डिंग देना है. ये न्यूमेरिकल्स में आते हैं क्वेश्चन. अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल मैं बताऊंगी और बाकी के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने के लिए देंगे. आपके बुक का न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है ए शेविंग मिरर इज एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द फेस ऑफ ए पर्सन. If the focal length of a shaving mirror of a shaving mirror is 80 centimeter, then then find the distance of image from the mirror magnification of mirror. ये क्वेश्चन आपका
और इसको आपने दो फॉर्मूलाज पढ़े हैं, एक तो मिरर फॉर्मूला वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, एंड दूसरा फॉर्मूला आपने मैग्नीफिकेशन पढ़ा है एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। इन दोनों का यूज़ करके पहला मिरर फॉर्मूला से तो इसकी डिस्टेंस निकालोगे आप, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, और उसके बाद में एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू से आप मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला निकालोगे, और लास्ट में ये बताना आपको कि इमेज वो रियल होगी या वर्चुअल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो शेविंग मिरर है, और शेविंग मिरर मैंने बताया था, यूजेज ऑफ मिरर में बताया था, शेविंग मिरर में कौन सा मिरर यूज़ में लिया जाता है, कॉनकेव मिरर यूज में लिया जाता है। इट मीन्स ये वाला मिरर होगा जिसकी एक्सटर्नल साइड है वो पॉलिश की हुई रहती है। तो ये मिरर है, तो ये बोल रहा है कि इस मिरर से जो पर्सन है उसकी डिस्टेंस आपको दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये इसके लेफ्ट साइड में है, यहाँ से यहाँ तक, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में है तो डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी, तो यू इज इक्वल टू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ शेविंग मिरर, फोकल लेंथ इट मीन्स स्मॉल एफ, और फोकल लेंथ जो कॉनकेव मिरर होता है उसके लिए फोकल लेंथ हमेशा सामने की तरफ होती है, वाई, क्योंकि फोकस इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने होता है और लेफ्ट साइड में होता है, इट मीन्स फोकल लेंथ भी किस में होगी, नेगेटिव होगी, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इट मीन्स आपको फाइंड आउट किसको करना है, V को फाइंड आउट करना है, V कैसी होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, वन अपॉन V प्लस वन अपॉन U इज इक्वल टू वन बाई एफ, वन बाई V इज इक्वल टू वन बाई एफ माइनस वन बाई यू, वन बाई एफ इट मीन्स माइनस वन बाई 80, वाई, क्योंकि एफ इज़ नेगेटिव, देन -1/80 -1/20, ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया, तो इसको हम लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/20 -1/80, 20 और 80 का एलसीएम होता है 80, 4 -1 इज इक्वल टू 3/80, तो 1/v का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 3/80 आ गया, तो इससे v का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा 3/80 का, इट मीन्स 80/3, 80/3 है इसका वैल्यू, हम निकालते हैं 20 यानी ऑलमोस्ट हम ये लिख सकते हैं इसका वैल्यू कितना आएगा, 26.67 है वो इसका वैल्यू आ गया, वैल्यू किस में होगा, पॉजिटिव है वैल्यू इसका, है वो पॉजिटिव आपको दे रखा है। आगे हम चलते हैं, ये तो वी का वैल्यू आ गया, इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज ये हमने फाइंड आउट कर ली, कितनी आई आपके पास 26.67 आ गया। अब हमें मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन एम इज इक्वल टू -v/u, हियर v इज इक्वल टू 26.67 एंड u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, ओके, यहाँ भी लास्ट में सेंटीमीटर लगेगा। तो आगे चलते हैं, सो एम इज इक्वल टू -26.67/-20, माइनस और माइनस प्लस, इट मीन्स 26.67/20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 26.67 1.33, बट वैल्यू किस में होगी, पॉजिटिव होगी, तो 1.33। अब आपके पास आता है, जब एम का वैल्यू है वो पॉजिटिव आता है तो
पॉजिटिव का मतलब ये कितने टाइम में मैग्नीफाइड होगा, 1.33 टाइम मैग्नीफाइड होगा. इट मीन्स इमेज विल बी 1.33 टाइम बिगर फ्रॉम ऑब्जेक्ट. ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है. इस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. वी का वैल्यू, यू का वैल्यू, एम का वैल्यू और एफ का वैल्यू, उसको फाइंड आउट करना है. अब इससे रिलेटेड मैं दो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको दे रही हूँ, वो आपको सॉल्व करने हैं और मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेजना है उनको सॉल्व करके. बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है. बस ये ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है, क्योंकि वी और यू का वैल्यू है वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए अलग होता है. फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है, जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो कॉन्वेक्स लेंथ के लिए पॉजिटिव होता है और कॉनकेव के लिए नेगेटिव होता है. ओनली डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो दोनों में नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स के लिए भी और कॉनकेव के लिए भी. तो दो न्यूमेरिकल्स वो आपको सोल्व करने हैं. नंबर एक न्यूमेरिकल मैंने बता दिया है. सेकेंड नंबर क्वेश्चन है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर इफ द वर्चुअल इमेज ऑफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट is at 20 centimeter distance then find the distance of object from mirror. यहाँ पे आपको मैग्नीफिकेशन को फाइंड आउट नहीं करना है. थोड़ा हिंट दे रही हूँ मैं. कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ दे रखी है. कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा बिहाइंड द मिरर होती है फोकल लेंथ. इट मीन्स एफ को लेओगे आप पॉजिटिव लेना है. एफ इज इक्वल टू +30 सेंटीमीटर लेना है. ठीक वैसे ही इफ़ द वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट इज एट 20 सेंटीमीटर और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी इमेज भी हमेशा बिहाइंड द मिरर ही बनेगी, फॉर्म्ड होगी, तो इसको भी आपको किसने लेना है, पॉजिटिव लेना है. और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसकी जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो आपकी नेगेटिव में आनी चाहिए. जब भी आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर है वो नेगेटिव में आएगा. तो एक तो आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और एक न्यूमेरिकल और करना है फ्रॉम द साइड ऑफ ए मोटरसाइकिल इसमें आपको ये भी पहचान करनी है मिरर कौन सा होगा. If the focal length of side mirror इसको देख के आपको पहचान करनी है कौन सा मिरर है. साइड मिरर इज 1 मीटर देन फाइंड द डिटेल्स of the image in the mirror. इसमें आपको पूछ क्या रहा है, आपको एक तो
वी यू जिसकी भी डिस्टेंस आपको पूछ रहा है वो फाइंड आउट करनी है, और साथ में एम का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। देखो साइड मिरर है, तो साइड मिरर का नाम आते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। इसके लिए एम का वैल्यू निकालोगे, और एम का वैल्यू निकालने के बाद आपको ये भी बताना है कि इसकी इमेज है वो रियल इन्वर्टेड होगी या वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और साथ में कितने गुना ये बड़ी होगी ये भी आपको इसमें बताना है, ठीक है। इन दोनों को आपको सॉल्व करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पर इनके आंसर सेंड करने हैं पूरा सॉल्व करने के बाद। आज के लिए इतना काफ़ी, आपका मिरर टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। कल हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू।